हेलो बच्चों, तो आज जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरल्स यूज्ड बाय रोमन नंबर। इससे पहले हमने रिवीजन चैप्टर पढ़ा था बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। उसमें हमने ये देखा था कि क्लास फोर्थ में आपने रोमन नंबर जो पढ़े होंगे उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस था। तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों फिफ्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है बच्चों? बिकॉज क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो कह रहा है द न्यूमरल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 वर इन्वेंटेड बाय द एंशिएंट इंडियंस। कह रहे बच्चों जो हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है हमारे बहुत पहले पुजवर ने ही इनका आविष्कार कर चुके थे। हमारा जो एंशिएंट थे इंडियंस, उन्होंने बहुत पहले इन चीज़ों का आविष्कार कर चुके थे, 0 से लेकर के 9 तक का, ठीक है। द नंबर द अरब ट्रेड्स कैरिड देम अरब लेटर्स टू यूरोप, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे जो कंट्रीज है दूसरे कंट्रीज से जब मिलना स्टार्ट किए तो वहाँ पे क्या होते थे बच्चों, अलग अलग तरह के लेटर्स हुआ करते थे, तो हमें भी समझ नहीं आता था और वहाँ के जो लोग थे वो आते थे तो उन्हें भी समझ नहीं आता था। तो क्या किया बच्चों, सब देश ने मिल करके एक अपनी कमेटी बनाई, एक अपनी मीटिंग बनाई और उसमें अलग अलग स्क्रिप्ट के लिखे हुए लेटर्स को उन्होंने एक यूनिक नेम दिए। सो आगे क्या कह रहे बच्चों वो देखो, दे वर रिटेन द डिफरेंट स्क्रिप्ट। वही बात मैंने जो अभी बताया, अदर अदर स्टेट अदर अदर कंट्री क्या करते थे, अलग अलग भाषाओं में लिखते थे, अलग अलग तरीके से लिखते थे, जिससे कि अगर मैं वहाँ पे चला जाता था या हम लोग चले जाते थे तो हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि वहाँ की जो राइटिंग थी, वहाँ की लेखक थी अलग थे और हमारे अलग थे, तो ये कई प्रॉब्लम आती थी। तो फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, यानी एक इंटरनेशनली उन्होंने बैठक बुलाए और उन बैठक में बुला करके उन्होंने एक डिजिट को बनाया जो हर एक आदमी ये चीज़ तो जानते होंगे। सो उन्हीं का नाम क्या दिया बच्चों, दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल डिजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिजिट। तो आप ये कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ये क्या है बच्चों, इंटरनेशनल डिजिट भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछता है या आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि चलो बताओ मुझे इंटरनेशनल डिजिट कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे बच्चों, 10 होते हैं। कितने होते हैं इंटरनेशनल डिजिट, 10 होते हैं बच्चों। या इसका दूसरा भी नाम है बच्चों, जिसका नाम क्या है, हिंदू अरबिक डिजिट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, हिंदू अरबिक डिजिट, या क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल डिजिट, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन किसी से पूछेंगे, क्या पूछेंगे आप कि मुझे बताओ इंटरनेशनल डिजिट कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे बच्चों, 10 बताएंगे। कौन कौन बताएंगे बच्चों, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। सो रिटन इन द मॉडर्न, और आज जो है वही इंटरनेशनल डिजिट हम मॉडर्न टाइम में पढ़ रहे हैं बच्चों। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो, मॉडर्न टाइम मॉडर्न फॉर्म्स है ना, तभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पहले के जो नंबर हुआ करते थे, ओरिजिनल जो नंबर हुआ करते थे कुछ इस तरीके के बच्चों, जैसे 1 ऐसे लिखेंगे वर्टिकल लाइन करके, फिर 2 लिखना है तो इस तरीके से, 3 लिखना है तो बच्चों ये इस तरीके से लिखोगे, 4 इस तरीके से लिखा जाता था, 5 बच्चों इस तरीके से ऐसे 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 लिखा जाता था, 6 आप देख रहे हैं बच्चों, 7 इस तरीके से लिखे जाते थे, 8 इस तरीके से और 9 इस तरीके से, और पहले 0 का आविष्कार बच्चों नहीं हुआ था, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए उसकी कोई लेटर्स थी ही नहीं, बाद में जाके 0 का आविष्कार किया गया, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, अब समझ में आया इंटरनेशनल डिजिट और हिंदू अरबिक सिस्टम, यस या नो बच्चों? अगर आया समझ में तो आप कमेंट में लिखो यस, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, द रोमन यूज्ड अ डिफरेंट सिस्टम्स न्यूमरेशंस। उसके बाद रोमन आए,
तो रोमन का भी बच्चों अलग ही अपना एक लेटर्स हुआ करते थे जो हम लोगों को समझ ही नहीं आता था, ठीक है ना। दे वर डिड नॉट हैव एनी प्लेस वैल्यू, और उनके बीच में कोई प्लेस वैल्यू भी नहीं था। सो द रोमन नंबर्स आर फॉर्म 7 सिंबल्स, तो रोमन नंबर कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। और अभी आपने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल डिजिट कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं, और अरबिक डिजिट भी कितने होते हैं, 10, क्योंकि दोनों सेम नेम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रोमन नंबर्स कितने होते हैं तो क्या बताएंगे बच्चों, 7 सिंबल्स होते हैं। कितने होते हैं, 7। कौन कौन होता है, आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है, ठीक है। देयर अगर हिंदू अरबिक वैल्यू की बात कर ले बच्चों तो कुछ इस तरीके से है, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों, है ना। चलो देखो, आई को क्या बोलते हैं, 1, वी को क्या बोलते हैं बच्चों, 5, एक्स को क्या बोलते हैं, 10, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 10 लिखेंगे, जहाँ पे एल होगा वहाँ पे 50 लिखेंगे, और जहाँ पे सी होगा वहाँ पे 100 लिखेंगे, और जहाँ पे डी होगा वहाँ पे 500 लिखेंगे, और जहाँ पे एम होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1000, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट है बच्चों जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 1.2। अगर ये आप समझ गए तो आसानी से आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं बच्चों, इनके लिखने का भी कुछ रूल है, कुछ नियम है, उस नियम को भी समझेंगे जिससे कि आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमें रूल दिया है, रूल फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन नंबर जब आप लिखेंगे ना तो उनका कुछ अपना एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो देखो पहला रूल्स क्या है बच्चों, कह रहा है फर्स्ट रूल, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशंस। अगर रोमन नंबर, एक ही रोमन नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसका मतलब होता है क्या बच्चों, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। तो एक चीज और भी यहाँ पे समझ लिए कि बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है, जैसे मान लो आई और आई हो रहा है, ट्रिपल आई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है बच्चों, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 3, समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहा है, रिपीटेशन मतलब बार बार रिपीट करना ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स मीन्स क्या होता है, एडिशन होता है। अब इसमें देखो बच्चों, एक नोट दिया हुआ है, ये नोट बहुत जरूरी है याद करना आपको। इसमें कह रहा है द सिंबल्स आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 times। मतलब बच्चों आई एक्स सी और एम ये रिपीट कर तो सकते हैं, बट कितने टाइम बच्चों, 3 times, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और 3 से ज़्यादा अगर आप रिपीट करेंगे तो आपके आंसर्स क्या होंगे बच्चों, रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये अधिक से अधिक कितने बार रिपीट होंगे, 3 times, और नहीं रिपीट करेंगे तो एक बार, 1 से लेके 3 तक आप इनको लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दे रखा आई को 2 times किया तो 2 आ गया बच्चों, x को 2 times किया तो 20 है ना, m को 2 times किए तो 1000 और 1000 तो 1000 हो गया। अब देखो बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। देखो क्या, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, अगर कोई सिंबल स्मॉलर वैल्यू होता है, देन रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल्स इज बिगर नंबर इज एडेड। मतलब किसी राइट साइड, मतलब कोई बड़ा यूनिट के राइट साइड, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये होता है ए, इधर हो जाएगा राइट साइड, इधर बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये याद रखना। अगर यहाँ पे कोई नंबर्स है, ध्यान दो, यहाँ पे अगर कोई नंबर्स है, इसके अगर राइट साइड कोई नंबर लिखते हो रोमन नंबर इससे छोटा, तो वो वैल्यू इसमें ऐड हो जाता है, वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है, तो आगे अगर रखेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल समझते, यही कह रहे हैं बच्चों कि बीगर नंबर्स इज एडेड, मतलब बीगर से राइट साइड अगर कोई सिंबल रखते हैं रोमन का तो वो ऐड हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहाँ पे वी क्या है, बड़ा है बच्चों, आई क्या है, छोटा है, आई क्या है, छोटा है, तो वी बड़ा और 2 छोटा, तो क्या हो गया, ऐड हो गया ना। तो यही कहना चाह रहा है ये रूल्स, ठीक है। वी प्लस 2 तो क्या हो गया, 5, यानी 5 2 क्या हो गया, 7। यहाँ पे देखिए L और I, L क्या है 50 और I क्या है 1,
तो एल बड़ा हुआ या आई बड़ा हुआ, एल बड़ा हुआ ना, तो एल के अगर राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एल भी देखो बच्चों तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम एक्स ट्रिपल आई देखते हैं तो 13 हो जाता है। एल डबल एक्स, एल का मतलब होता है 50 और डबल एक्स का मतलब क्या हो गया 20, तो 70 हो जाएगा बच्चों। सी का मतलब क्या होता है 100 और ट्रिपल आई का मतलब होता है 3, तो 103। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए क्या है, सी सी एल मतलब क्या हो गया, सी का मतलब 100 होता है, एल का मतलब 50 होता है बच्चों, ट्रिपल एक्स का मतलब 30, इसका मतलब 8। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, ट्रिपल एक्स का मतलब 30, वी का मतलब 5 और ट्रिपल आई का मतलब तो 108। तो सब एडिशंस हो गया क्योंकि इसके सब राइट साइड में है। डी एक्स, डी का मतलब होता है बच्चों 500, अभी हमने टेबल में पढ़ा, एक्स का मतलब 10, तो 510। डी ट्रिपल सी है बच्चों तो 500 प्लस 300 यानी 800, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपको समझ में आया कि अगर राइट साइड रखेंगे तो हमारा वैल्यूज क्या होगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो देखते हैं रूल नंबर 3 में ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर बच्चों कह रहा है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन, यदि कोई छोटा वैल्यू किसी बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखा जाता है तो वैल्यू क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी बड़े वैल्यू का यानी बिगर वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू रखा जाता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेफ्ट हैंड समझते हैं आप, जैसे मान लो ये कोई डिजिट है, इसके अगर इस साइड लिखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होता है, राइट, है ना, ये क्या होता है, राइट साइड। तो किसी बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आई और वी, तो वी क्या है बच्चों, बड़ा, और आई क्या है, छोटा, और लेफ्ट साइड में है तो 5-1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे एक्स एल है, तो एल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब होता है 10, और यहाँ पे लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस आया। अगर राइट साइड होता तो अभी हमने बताया आपको रूल 2 में वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स और सी, तो सी क्या है, बड़ा वैल्यू है और एक्स छोटा वैल्यू है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 10, तो आ जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी और एम है बच्चों, तो एम का वैल्यू क्या होता है 1000 और सी का वैल्यू क्या होता है 100, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 100, तो हमारा आंसर क्या होगा 900 आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो बच्चों इसी तरीके से देखो सी आई वी, तो अभी हमने देखा राइट साइड होगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस समझ में आया, तो अगर लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस और राइट साइड जाता है तो प्लस, कब बच्चों, जब बड़ी वैल्यू हो, ए क्या हो, बड़ी वैल्यूज हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इसे याद भी कर लेना, जिससे कि आगे की जो वैल्यू हम लिखेंगे आसानी से हम लिख पाएंगे। तो देखो बच्चों 1 का रोमन नंबर क्या होता है, आई, 2 का रोमन नंबर डबल आई हो जाएगा, 3 का रोमन नंबर ट्रिपल आई, 4 का आई बी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, और 10 का क्या होगा, एक्स होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे 10 का एक्स, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का क्या होगा, एक्स और एल हो जाएगा, 50 का एल, 60 का क्या होगा बच्चों, अब देखो ऐड होता जा रहा है ना इस साइड, एल एक्स हो जाएगा, 70 का एल डबल एक्स, 80 का क्या होगा, एल एक्स 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 मतलब ट्रिपल एक्स हो गया, 90 का एक्स एल हो जाएगा, और 100 का सी। अब देखो बच्चों 100 को सी, 200 को डबल सी, 300 को ट्रिपल सी, 400 को क्या लिखेंगे, सी डी, 500 को डी, 600 को डी सी, 700 को क्या लिखेंगे, डी सी सी, है ना बच्चों, 800 को क्या लिखेंगे, डी ट्रिपल सी, और 900 को क्या लिखेंगे बच्चों, सी एम। तो बताओ बच्चों हमारे स्टेट के सी एम कौन है, यानी हरियाणा में आप रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे होंगे, अपने स्टेट के सीएम मतलब, सीएम मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, 900 बोलना है,
ठीक है, तो सी एम की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 900, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो एम का बच्चों क्या होता है, 1000। ठीक है, तो ये टेबल आप अच्छे से याद करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप लिख भी पाएंगे। चलिए अब देखते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। फर्स्ट में कह रहा है बच्चों, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो ये नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, अब तो समझ में आ रहा है ना कि हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो 26 को कैसे लिखोगे, 20 + 6, तो 20 का एक्स एक्स पढ़ा आपने यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में, और 6 को पढ़ा ही आपने टेबल में, तो हमने लिख दिया तो ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, 83 को क्या लिख सकते हैं, 80 + 3, तो LL XXX और ये हो जाएगा बच्चों, तो LXXX और ये आई हो जाएगा। ठीक है, 83 हो जाएगा। 126 का 100 + क्या होगा बच्चों, 20 + 6, तो C का 100XX का हो गया 20 और VI का हो गया 6, तो क्या होगा बच्चों, सभी को ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 276 का देखो बच्चों, 276, तो 200 को क्या बोलते हैं, CC, और 70 को क्या होगा, LXX, और 6 को बताए बच्चों। उसी तरह से 400, तो 400 को क्या बोलते हैं बच्चों, CD, और 70 को क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा LXX, और 8 को क्या बोलते हैं, और सभी को ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, इसी तरीके से आपको दिया हुआ है अपोजिट में कि राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द रोमन न्यूमरल्स। अब यहाँ पे देखो LXX इसका क्या होगा बच्चों, तो एल का मतलब 50, इसका मतलब XXX, तो क्या होगा, 50 + 3 = 53। LXXIV का क्या हो जाएगा, तो देखो L 50 + 20 + 4, तो क्या हो जाएगा, 74, है ना। फिर क्या दे रखा है, CXX, सी मतलब 100, XXX मतलब 20, आई मतलब 1, तो क्या होगा बच्चों, 121। CDCC, तो CCC DCC मतलब 500, 100, 700। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे दे रखा है ऐड, क्या दिया हुआ है, ऐड। ऐड कैसे करेंगे, ये दोनों दिया हुआ है, तो देखो L मतलब 50 और ये हो गया 30, तो ये हो गया 80, और 8 क्या होगा, 88, तो 88 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 70 + क्या देखे 13, तो 17 + 13 क्या होगा, 83, तो 83 लिख देंगे। उसके बाद देखो बच्चों, DIII दे रखा है, तो D का मतलब क्या होता है बच्चों, 500, और III का मतलब क्या होता है, 3, तो 503, और यहाँ पे दे रखा है 20, तो 523। तो ये क्वेश्चंस क्या होता है आपका, कंप्लीट। तो ये बच्चों एग्जांपल्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट भी थे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 1.2 एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।